टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ द फोर्स। और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे। फोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज, और फोर्स को क्लासिफाइड किया गया है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स आर दोज विच आर ओनली वैन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर आर ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस। कॉन्टैक्ट फोर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो सबसे पहले हम जानें कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी एक दूसरे के आसपास जब तक ये संपर्क में, फिजिकल कॉन्टैक्ट के संपर्क में नहीं आएंगे, यानी फिजिकल कॉन्टैक्ट हमें आना यहाँ ज़रूरी है, इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि उसमें कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका आएगा एक मस्कुलर फोर्स और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे मस्कुलर फोर्स। द फोर्स एक्सर्ट बाय द मसल्स ऑफ अ ह्यूमन और एनिमल बॉडीज इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। यानी ऐसा फोर्स जो एक मनुष्य के द्वारा या फिर एक एनिमल बॉडी के द्वारा अपने मसल्स के द्वारा फोर्स लगाया जाता है, यानी शारीरिक बल लगाया जाता है, उसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। वी यूज़ अवर मस्कुलर फोर्स ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, किकिंग एंड लिफ्टिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट। जैसे हम बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, किक करना, लिफ्टिंग, है ना, ये सारा आपका मस्कुलर फोर्स है। एनिमल एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स टू हैवी वर्क सच इज द पुलिंग अ कार्ट, पलोइंग, कैरिंग हैवी लोड्स। जैसे कि एनिमल्स भी क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स का काम करते हैं, जैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स वो उठाते हैं, जैसे कैरिंग हैवी लोड्स, है ना, और पुलिंग अ कार्ट या फिर प्लोइंग। आगे हम जानेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं घर्षण बल, यानी घर्षण बल, जिसमें जब तक दो ऑब्जेक्ट का आपस में जब तक वो नहीं है, कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे, तब तक ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो सकता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग और रोलिंग ऑन द सरफेस, अ फोर्स कम इन टू प्ले बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इट ट्राइज स्टॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मूविंग, दिस फोर्स कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम इस फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। फर्स्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट अलॉन्ग द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में कॉन्टैक्ट में आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सेकेंड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू रफनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडीज इन द कॉन्टैक्ट, यानी दोनों का जो रफनेस है, दोनों भी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, जब तक वो कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगी, यानी रफनेस दोनों भी ऑब्जेक्ट में होना चाहिए। ए स्मूथ सर्टेन सरफेस एक्सर्ट लेसर प्रेशर, जहाँ पे रूफ स्मूथ सरफेस होगा वहाँ पे कम फोर्स वहाँ पे लगेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे रफनेस सरफेस है। आगे जानेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक्शन एट द डिस्टेंस फोर्स। सम फोर्स डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट, कुछ ऐसे फोर्स हैं जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, बिटवीन द बॉडीज ऑन विच दे एक्ट थ्रू द स्पेस बिटवीन देम, सिर्फ उसके स्पेस के डिफरेंस से ही ये फोर्स होता है, जिसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। सच फोर्स आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और अभी हमने जाना था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। सच फोर्स आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दे आर ऑन द फॉलोइंग टाइप्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक फोर्स हो गया, और आपका है ये मैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रेविटी फोर्स क्या होता है। और ये ग्रेविटी फोर्स जो आपके आइंस्टाइन थे, आइज़ैक न्यूटन, इन्होंने डिस्कवर किया था। द ग्रेविटी इज़ अ फोर्स दैट एक्ट एट अ डिस्टेंस एंड अट्रैक्ट बॉडीज ऑफ मैटर टूवर्ड ईच अदर। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट वेट। द लॉ ऑफ ग्रेविटी डिटरमाइंस हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट विल फॉल। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल लिया था सेब का। जैसे एक सेब का पेड़ खड़ा है, तो ऊपर से नीचे कितनी स्पीड में, है ना, कितनी स्पीड में वो धरती पे गिरा, है ना, और उसके बीच में कितना डिफरेंस था ऊपर से नीचे तक का, इट मीन्स उसका जो वेट है उस धरती का और उस ऑब्जेक्ट का, वो दोनों क्या है, दोनों ही बराबर है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी डिटरमाइंस द हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट विल बी फॉल। और हम ग्रेविटी के वजह से हम पता कर पाते हैं कितनी स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरा। आगे हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अनदर काइंड ऑफ फोर्स विच कैन पुश और पुल टिनी ऑब्जेक्ट्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिसे हम पुश और पुल कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सर्ट बाय मैग्नेट्स, है ना, जैसे फोर्स है, फोर्स अप्लाई कहाँ पे होता है, जैसे देखेंगे आप मैग्नेट को अगर आप उसके आसपास रखेंगे क्या,
आयरन रखेंगे या आयरन नील रखेंगे, है ना, तो उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन फिलिंग्स, और वो आयरन्स को क्या करते हैं, वो तुरंत ही बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं कौन, मैग्नेट। आयरन नेल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, चाहे आयरन से बनाओ, स्टील से बनाओ, या निकल से बनाओ, या फिर कॉबल्ट से बनाओ, ये बहुत ही ईजीली क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे अप्लाई करके अपने आयरन ऑब्जेक्ट को वो तुरंत अपनी ओर ये अट्रैक्ट कर लेते हैं। आगे हम जानते हैं यूनिट ऑफ द फोर्स। फोर्स इज़ अ मेजरेबल क्वान्टिटी, फोर्स को हम नाप सकते हैं, इट इज़ मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस, हम इसको डिवाइस से नाप सकते हैं जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन, जिसको हम एन लिखते हैं, नेम आफ्टर द साइंटिस्ट आइज़क न्यूटन हु स्टडी फोर्स एंड मोशन, और जिन्होंने स्टडी किया था फोर्स एंड मोशन के बारे में। ए फोर्स ऑफ वन न्यूटन चेंजेस द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर मास बाय 1 पर मीटर सेकेंड, यानी 1 न्यूटन चेंज कितने स्पीड में होता है, 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोग्राम का जो मास है 1 मीटर पर सेकंड में चेंज होता है, कौन, न्यूटन। अनदर यूनिट ऑफ द फोर्स, दूसरा यूनिट जो फोर्स का है, कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिट इस किलोग्राम फोर, 1 kg फोर्स इज द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg वेट इज पुल्ड टुवर्ड द अर्थ। तो हम इसको लिखेंगे 1 kg एफ इक्वल टू 9.8 N, और ये N का वैल्यू जो 9.8 का N का वैल्यू 9.80665 फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस इन द कैलकुलेशन सॉल्विंग न्यूमरिकली जनरली, और हम इजीली सॉल्व करने के लिए ये यूज़ करते हैं 1 kg F - 10 newton। थैंक यू, थैंक्स लॉट, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।